का कितना फर्क है? आम जो रेफ्रिज होते हैं या डी सीजन है वो 440 वाट कंज्यूम करते हैं। ये हमारे जो डी सीजन है सोलर वाले ये 70 वाट से लेकर 120 वाट तक कंज्यूम करते हैं, बल्कि आपकी 4 गुना बिजली बचाते हैं। आम नॉर्मल घर में जो रेफ्रिजरेटर लगे हुए हैं वो 1 चला ले, ये सोलर वाले हमारे 4 चला ले बराबर। इसकी जो कूलिंग है वो कितना अच्छा रहता है? कूलिंग सेम उसी तरह है जैसे आम रेफ्रिजरेटर की होती है, उसी तरह ही टाइम लिमिटेशन उतनी है इसकी, उसी तरह ही ये 3 से 4 घंटे में बर्फ बनाता है। सेम उसी तरह ही इसकी क्वालिटी है बॉडी की, सेम उसी तरह ही लाइफ है, सेम उसी तरह वारंटी प्रोसीजर है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसको किस पे चलाना पड़ेगा? आप सिंपल अडाप्टर लगा के आप इसको, मैं अडाप्टर भी आपको दिखा देता हूँ। ये अडाप्टर लगा के आप सिंपल घर की बिजली पे चला सकते हैं, तो आपकी अच्छी खासी बिजली की बचत कर सकता है। अगर आप सोलर जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं, सोलर जहाँ पे लाइट हो वहाँ पे हम अडाप्टर ही रिकमेंड करते हैं, ताकि उनकी मनी भी सेव हो और एनर्जी भी सेव हो। ये रिपेयरेबल भी है, आसानी से मिल भी जाता है मार्केट से, ये ज़्यादा महंगी डिवाइस नहीं है। आम फ्रीज़र या फ्रिज को स्टेबलाइजर लगाते हैं वो 6-7 हज़ार का आता है, ये सिर्फ 2,000-2,500 की सप्लाई आम मिल जाती है। ये चाइना मेड है पाकिस्तान ये चाइना मेड है। लोकल मार्केट से कोई भी इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टेक्नीशियन हो इसके बाद सकता है। ये फ्रीजर है जिसके बाद ये वारंटी इसकी 3 साल है, 3 साल में अगर इसके कंप्रेसर जल जाता है कंपनी कंप्रेसर नया देगी, रिपेयर करके नहीं देगी। हमारा स्लोगन भी है कि HP लगाओ वापडा को भूल जाओ, HPS का वादा बर्फ बनाए सबसे ज़्यादा। हाँ जी, फीडबैक हम 200+ हमारे डीलर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। आप ये एक्सपो सेंटर देखें, आप काफ़ी सारे जितने भी स्टॉल हैं उतना रश नहीं है जितना हमारे स्टॉल पे रश है, इसी वजह क्योंकि बहुत आज तकरीबन ये अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास काबुल से खान साहब आए थे, वो उनसे हमारी अच्छी डील होगी इंशाल्लाह, तो वहाँ पे वो ऑक्शन का काम करते हैं, वो हमारे से कंटेनर के साथ उनके इलाकों के लिए तो ये सही है। इसी तरह हम पहले FC वाले को भी दे रहे थे, चमन के रास्ते भी जा रहे हैं, अफगानिस्तान कंधार जा रहा था, अब जो है ना ये जाएगा, क्योंकि हम जिस सिटी में डीलरशिप दे देते हैं उसके बाद हम ना तो डेटा सेलिंग करते ना ही हम नया डीलर प्रोडक्शन प्रोडक्शन ये हम उकाड़ा की तहसील है दीपावपुर, वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन मेन प्रोडक्शन है। हाँ जी, मेन प्रोडक्शन है। एस्टिमेटेड हमारी जो मंथली प्रोडक्शन इस दफ़ा जा चुकी है 520 पे जा चुकी है। लेबर कॉस्ट कितनी है? ये तकरीबन हमारे पास